सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों एनर्जी ड्रिंक रेड बुल्स के बारे में, जिसके बारे में आप लोग कई बार जानते होंगे और कई लोग इसका यूज़ भी करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, क्या इसका बेनिफिट्स होता है, और कुछ लोगों को इसके बारे में मिथ है, मतलब कुछ गलत फहमियाँ हैं, जो इस वीडियो में हम पूरे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आप भी एनर्जी ड्रिंक यूज़ करते हैं रेड बुल्स का, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, रेड बुल्स एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, और 1 अप्रैल 1987 को इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ था। तो ये रेड बुल्स GmbH के नाम से, जो BH इसको मैन्युफैक्चरिंग करता है, यहाँ से ये ऑर्गन होता है। मतलब आज 2022 के माने तो 35 साल लगभग इस एनर्जी ड्रिंक को यूजली हो चुके हैं। रेड बुल जो होता है 630 करोड़ पर ईयर कैन जो होती है, उनकी कैन आती है 630 करोड़ की कैन जो होती है वो बेच देता है। मतलब 630 करोड़ कैन बेचना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। काफ़ी जाना माना ब्रांड है, रेड बुल्स के नाम से आपको ये इजीली मिल जाता है कहीं पर भी, जो भी अगर आप यूज़ करते हो। तो एनर्जी ड्रिंक के तौर पर लोग इसको यूज़ करते हैं। इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलते हैं कैफीन, ग्लूकोनिडेशन, सुक्रोज, ग्लूकोज और बी ग्रुप के कुछ जैसे विटामिन B12 होना इत्यादि कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। लाइक वाटर भी हो जाता है, बेकिंग सोडा होता है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट इसमें पाया जाता है। अब इसमें जो होता है कैफीन और टॉर्नेट होता है, जो मेनली होता है टॉरिन होता है, जो कैफीन की तरह ही काम करता है। मतलब एक तरह ऊर्जा प्रदान करता है ये बॉडी को, जिससे थोड़ा बहुत एनर्जेटिक महसूस होता है। इसके अलग अलग वेरिएंट आते हैं, लाइक शुगर फ्री आता है, टोटल ज़ीरो आता है, ज़ीरो आता है, एनर्जिक शॉट आता है, और अलग से एक एडिशन आता है, जैसे कि आप इसमें पिक्चर्स में देख रहे हैं। अब कई लोगों के मिथ जो हैं इसमें, पहले हम मिथ की बात कर लेते हैं। कई लोगों को लगता है कि इसमें बुल्स का जो होता है वो वीर्य का यूज़ किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिसमें टॉरिन डाला गया है वो क्या होता है, सिंथेटिक तरीके से मेडिकली प्रमाणित यानी फार्मोकुलर तरीके से इसको मिक्सअप या बनाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी बुल्स का किसी प्रकार का सीमेन इसमें नहीं डाला होता है, जो पहली बात है। दूसरी बात है कि कई लोग सोचते हैं कि इसको लेने से माइंड तेज होता है, नर्वनेस दूर होती है, बल्कि ऐसा नहीं है। वो लोगों के अंदर गलतफहमी है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके माइंड को शार्प करें या फिर आपके माइंड को तेज करता है, और ना ही इससे कोई नर्वनेस वगैरह दूर होती है। जो इसको एनर्जी टॉनिक के तौर पर लेते हैं, थोड़ा सा मतलब 1 से 2 घंटा तक इसका असर रहता है, क्योंकि इसमें कैफीन होता है जो आपके माइंड को संकेत देता है कि भैया ये कैफीन क्या करता है, आपकी जो कुछ भी होता है ब्लड फ्लो होता है उसको तेज कर देता है, जिससे आपको लगता है कि एनर्जी जो होती है वो बूस्ट हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कहीं पर भी। एक हम हादसे की बात कर लेते हैं, 2014 की बात है। एक आदमी ने इस पर केस कर दिया था। उनका मानना था कि भैया मैं 2002 से जो होता है रेडबुल ड्रिंक पी रहा हूँ, और जो इनके बोलने की प्रचार करने की बात है कि भैया एनर्जी बढ़ती है, साहस बढ़ता है, दिमाग बढ़ता है, तो उस आदमी ने कहा कि भैया मैं 2002 से बढ़ रहा हूँ, ना ही मेरा दिमाग तेज हुआ है, ना ही मेरी शक्ति बढ़ी है। तो उसमें इन चीज़ों पर क्या कह रहा है, उसमें रेडबुल पर केस कर दिया है, जिस पे रेड बुल वालों ने अपना हर्जाना माना भी है, प्लस $13 मिलियन जो होता है उस बंदे को इन्होंने पे किए हैं, जो लगभग 91,000 करोड़। सोच सकते हैं कि एक चीज़ से 91,000 करोड़ कितना इनको जुर्माना पे करना पड़ा है। तो ये सब कुछ गलत फहमियाँ हैं, जो लोगों को लगता है शक्ति देता है, एनर्जी बढ़ाता है, तो गलत बात है। बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, इसमें कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि हैंगओवर उतारने के लिए यूज़ करते हैं, आपका टेंशन दूर करने के लिए यूज़ करते हैं, वीकनेस को दूर करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इससे दूर हो जाता है, जैसे आलस वगैरह हो जाना या सुस्ती आ रही है, तो थोड़ा बहुत एनर्जेटिक हो जाता है महसूस, क्योंकि इसमें कैफीन की मात्रा जो होती है वो डाली जाती है, जिससे आपको एनर्जिक महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें एनर्जी आती है लेकिन 1 या 2 घंटे तक, इसका ज़्यादा इसकी कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसका साइड इफ़ेक्ट्स, इसको यूज़ जो किया जाता है दिन में, लगभग इनके जो बोलने का या मानने के तरीका है कि एक ड्रिंक ही आपको दिन में एक बार ही लेनी चाहिए, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं।
तो आज की इस वीडियो में हम साइड इफेक्ट के बारे में भी आपको बता देते हैं इसके। इससे हाई ब्लड प्रेशर की आपको शिकायत हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, यूटीआई का इन्फेक्शन हो सकता है, आपका जो डायरिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे और भी कई सारी समस्याएं देखने को मिल जाती है। और बच्चों में गैर कानूनी तौर पर इसको यूज़ नहीं किया जाता है। बच्चों में इसकी और भी कई सारी प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटिव होना, मोटापा बनना, लीवर डैमेज होना, दौरे पड़ना जैसी कंडीशनें भी देखी गई है। तो बच्चों में इसका बिल्कुल भी यूज़ ना करें। इसमें कैफीन होता है तो आपको टाइप 2 शुगर यानी डायबिटीज़ होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। तीसरी बात है, इसको दिन में एक ही लेना चाहिए। और कई लोग अगर जिनको हार्ट अटैक हुआ है तो इसके मान्यता के हिसाब से माना गया है कि उन लोगों ने 5 से 6 कैन जो होती है एक साथ पी ली थी, जिनकी वजह से उनको हार्ट अटैक हो गया है। अब जैसे मैंने आपको बताया है, कैफीन्स वगैरह हैं, ग्लूकोज वगैरह है इसमें, जो आपकी हाई ब्लड प्रेशर यानी बीपी को थोड़ा बढ़ा देता है, जिससे आपको लगता है कि एनर्जिक महसूस हो रहा है। तो जब वो ज़्यादा पंप करेगा तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक वगैरह की चांसेस भी हो सकते हैं। साथ में जो लोग इसको जिम वाले लेते हैं, एथलेटिक वाले लेते हैं, वो ना लें तो ही अच्छी बात है। उससे अच्छा आप कोई ORS लीजिएगा, ग्लूकोज ले लीजिएगा, पानी लीजिएगा, जूस लीजिएगा, तो उनके लिए वो बेहतरीन हो सकता है। एक तरीके से आप इसको एनर्जिक तौर पर आप ले रहे हैं तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसके और भी नुकसान होते हैं, जैसे नींद नहीं आती है, कैफीन वगैरह की वजह से नींद वगैरह उड़ जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो ज़्यादा इसको नहीं लेना चाहिए। कुल मिला के बात ये करते हैं कि अगर आप इसको एनर्जिक तौर पर कंटिन्यूसली ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। फ़ायदे मैंने आपको बता दिए, सुस्ती, नींद वगैरह अगर आपको आती है कभी तो उस तौर पर आप ले सकते हैं। लाइक जैसे चाय हम पीते हैं, चाय की वजह से आपको सुस्ती वगैरह, नींद जो होती है दूर हो जाती है, तो उसी तौर पर आप इसको ले सकते हैं। लगभग 110 रुपये का एक कैन ये आपको मिल जाता है, कहीं पर भी मिल जाएगा, नज़दीक आप कहीं पर ले सकते हैं, ऑनलाइन साइट पर भी मिल जाएगा, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो इजीली बाय कर सकते हैं। तो हमारा यही सजेशन है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ना करें, एक तौर पर आप ले सकते हैं थोड़ी सी मात्रा में, ज़्यादा कंटिन्यूसली यूज़ ना करें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। हार्ट, लिवर जैसी कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम ये करता है, और कई देशों में ये तो बैन भी है। एक बात और बताओ, इसमें किसी प्रकार का कोई नशा नहीं होता है, ये नॉन अल्कोहलिक होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी नशीला पदार्थ नहीं होता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कोई डाउट रह गया तो कमेंट करें या फिर इंस्टाग्राम पर आप हमें डायरेक्टली DM कर सकते हैं। तो मिलता है फिर नई वीडियो में। ओके, बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।